नमस्कार। ग्वालियर में कोरोना की स्थिति को लेकर हालात ये हैं कि अभी तक यहाँ पर 675 लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। 30 लोग विभिन्न आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं, इलाज करवा रहे हैं। जहाँ तक सैंपल की बात है, अभी तक यहाँ पर 118 सैंपल भेजे गए हैं जांच के लिए, और उसमें से 100 की रिपोर्ट आ चुकी है। संतोष की बात यह है कि इन 100 में केवल 2 लोग पॉजिटिव निकले हैं, कोरोना पॉजिटिव 2 लोग हैं, बाकी 88 मरीज स्वस्थ हैं। एक जो पॉजिटिव कोरोना पॉजिटिव निकले थे वो, उनकी रिपोर्ट भी अभी नेगेटिव आ चुकी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो स्टैंडिंग अभी केवल एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहाँ पर हैं। देखिए, जहाँ तक हाल है ग्वालियर के हालातों का, तो शुरुआत में यहीं से प्रशासन ने अलर्ट लिया था। 7-8 मार्च के आसपास यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने मीटिंग्स वगैरह शुरू करके प्रारंभिक जो भी इंतज़ाम होते हैं उनकी शुरुआत कर दी थी। लोगों को जागरूक करने का काम शुरू हो गया था। प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं ने यहाँ पर कदम आगे बढ़ाते हुए, प्रशासन को सहयोग देते हुए, लोगों से अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने की अपील की थी, कुछ सावधानियाँ सतर्कता बरतने की बात कही थी। उसका फ़ायदा वास्तव में ग्वालियर शहर के लोगों को मिला है। यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं ने जैसे होम्योपैथी जो इकाइयां हैं उन्होंने अपने लोगों को दवाई देना शुरू कर दिया था, ताकि प्रिवेंशन मतलब जो बीमारी से लड़ने के लिए आपका शरीर तैयार हो सके, या बीमारी न आ सके इसके लिए आपका शरीर तैयार हो सके, इस तरह के उन्होंने दवाई देना शुरू कर दिया था। लेकिन बाद में धीरे धीरे बाहर से लोगों की आवाजाही के कारण, यातायात ट्रेन बस वगैरह के माध्यम से जो लोग आए, हवाई जहाज़ से जो विदेशों से लोग लौट के आए, तो टोटल 2056 लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस दरमियान बाहर से ग्वालियर में आए। ये संख्या प्रशासन के पास है, लेकिन हमारा अनुमान है कि इससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा लोग बाहर से यहाँ आ चुके हैं। जो बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, बाहर दिल्ली, कोटा, जो आगरा या बड़े इंस्टीट्यूट में, कहीं इंदौर वगैरह पढ़ रहे थे, उनकी हर एक की सूचना तो प्रशासन के पास नहीं है। लेकिन जो हाँ फ्लाइट से आए हैं या जो ट्रेन से रिजर्वेशन करवा कर जो आए हैं, उनके डेटा अवश्य गवर्नमेंट के पास हैं। तो वो डेटा के आधार पर पुलिस ने, प्रशासन ने, सबने मिलकर होम क्वारंटाइन के लिए उनको सलाह दी है। अभी तक ऐसे केवल 675 लोगों तक ही पुलिस पहुँच सकी है। अभी भी काफ़ी परिवार ऐसे हैं, इससे 3 गुना ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जहाँ तक पुलिस या प्रशासन की टीम अभी नहीं पहुँची, उनको कोई समझाइश नहीं दी गई है, ना उनकी स्क्रीनिंग हुई है। जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, ग्वालियर है, यहाँ का मिजाज थोड़ा गर्म है, तो लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है। लोगों ने उतनी सजगता और जागरूकता नहीं दिखाई जितनी इस समय की आवश्यकता है। खूब लॉकडाउन तोड़े गए, नौबत यह आ गई कि पिछले 3 दिनों से टोटल शटडाउन गवर्नमेंट ने यहाँ कर रखा है। जिला प्रशासन ने टोटल शटडाउन कर रखा है। मात्र कुछ ही घंटों के लिए कुछ दुकानें खुलती हैं, बाकी इसके कारण ऐसा नहीं है कि यहाँ की सारी व्यवस्था चरमरा गई हो। प्रशासन ने जो भी मेजर किए हैं, जो भी इंतज़ाम किए थे, उसके चलते यहाँ पर दूध की सप्लाई सुबह शाम चालू है, सब्जियाँ मिल रही है, किराना दुकानें समय पर खुलती हैं। तो ऐसा कोई बड़ा क्राइसिस यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं ने यहाँ पर लोगों को खाने का वितरण, खाद्य सामग्री का वितरण देने का काम शुरू किया है। जो बाहर के हाईवे हैं, यहाँ से शहर के बाहर जो हाईवेज हैं, उन पर भी लोगों ने लंगर वगैरह शुरू किए हैं। कुछ अनाज भी उनको दिया जा रहा है जो परिवार वहाँ से गुजर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सामाजिक दायित्व की जो आपूर्ति है उसमें यहाँ के लोग सक्रिय हो रहे हैं। प्रशासन ने भी काफ़ी अच्छे इंतज़ाम किए हैं।
आज से फिर यहाँ पर टोटल शटडाउन है, जो कि आज और कल 4 तारीख तक, 4 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान प्रशासन ने कुछ सुविधाओं में छूट दी है, जिससे दवाइयाँ पहले से ही छूट है। पेट्रोल पंप पर गवर्नमेंट ने, जिला प्रशासन ने कुछ पेट्रोल पंप चिन्हित किए हैं शहर के अलग अलग इलाकों को मिला के, लगभग 20 पेट्रोल पंप है जो इस दौरान पूरे टाइम खुले रहेंगे। राशन दुकानों का काम वापस शुरू किया जा रहा है खोलने का, राशन दुकानों को भी इससे छूट दी गई है। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक राशन दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा जो किसानों के लिए बहुत बेहद ज़रूरी है इस समय, बीज वगैरह की सप्लाई, बीज खाद कीटनाशक वगैरह की, तो वो दुकानें को छूट दी है 12 बजे से शाम 4 बजे तक। ग्वालियर के आसपास बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, जिसमें कि बिस्किट बनाने की फैक्ट्रियां हैं, सैनिटाइज़र या दूसरे आइटम बनाने की फैक्ट्रियां हैं, उनको भी छूट दी गई है। लेकिन वास्तव में जो संकट, जहां तक जो देखा जा रहा है पूरे देश में या विश्व में, उस तरह का संकट यहां पर अभी फ़िलहाल तो नहीं है। फ़िलहाल तो सुकून का माहौल है, लेकिन जैसे जैसे सैंपल की जाँच बढ़ेगी, सैंपलों की संख्या बढ़ेगी और जाँच रिपोर्ट आएगी, तो ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि संख्या यहाँ पर भी पॉजिटिव की बढ़ सकती है। पिछले 2-3 दिनों में जो तबलीगी जमात का खुलासा हुआ है कि उनके सदस्य बहुत सारे जगहों पर फैले हुए, तो ग्वालियर में भी काफ़ी संख्या में, ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास काफ़ी संख्या में तबलीगी जमात के लोग आए हुए हैं, रुके हुए थे, उनको प्रशासन आइडेंटिफाई किया है। और अभी तक तबलीगी जमात और उनके संपर्क में आए लोगों को अगर मिलाकर देखा है तो इसमें से 80 लोगों की लिस्ट बन चुकी है। इसमें से 43 लोगों को क्वारंटाइन किया जा चुका है, मतलब प्रशासन की निगरानी में उनको रखा गया है। लेकिन इसके बाद हालत यह है कि 4 लोग ऐसे संदिग्ध, जो जिनका कि प्रशासन को स्क्रीनिंग करना है, स्वास्थ्य की जांच करवाना है, 4 लोग अभी भी गायब है जो नहीं मिल रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि यदि जब और लोग मिलेंगे, जो 80 में से चूंकि 43 लोग मिले हैं, तो बाकी जो 37 लोग और मिलेंगे उनकी जब चेन पता की जाएगी, तो हो सकता है कि वो भी अभी कई लोगों से मिले होंगे, तो बाकी लोगों की भी स्क्रीनिंग और उसके लिए उनको बुलाया जाएगा, तो यह संख्या बढ़ेगी। अभी अभी जो 80 की संख्या सामने आ रही है, ये संख्या बढ़कर 2 गुनी भी हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए भी, जैसे शहर का एक अबाड़पुरा मोहल्ला है, वहाँ से चूँकि 1 दर्जन की संख्या में जमाती मिले थे, उसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, तो उसके बावजूद प्रशासन उनके लिए सारा इंतज़ाम कर रहा, उनके लिए दवाइयाँ, उनके हेल्थ चेकअप, उनके लिए खाना पीना रहने का सारा इंतज़ाम एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है। और आसपास के इलाकों में भी यही व्यवस्था की गई है। यहाँ के जो शोपुर है, मुरैना है, दतिया है, भिंड है, इन सभी ज़िलों में भी प्रशासन ने अपनी अपनी टीमें तैयार करके और उन लोगों को आइसोलेशन में रखने के या क्वारंटाइन करने के लिए पर्याप्त इंतज़ाम किए हैं। तो कुल मिलाकर अगर अभी तक का देखा है तो ग्वालियर में कोरोना के मामले को लेकर शांति या सुकून की स्थिति कही जा सकती है, और उसका पूरा श्रेय जिसे कह सकते हैं कि हम एडमिनिस्ट्रेशन को दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सजगता के साथ, काफ़ी सक्रियता के साथ इन हालातों को कंट्रोल में करने के लिए वो एक्टिव हुए और अभी भी एक्टिव हैं। धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।